आगे। सुमित जी, वेदांता तो खरीदने की राय दे दी, आजकल आपका प्रेम किधर है, प्यार किसकी तरफ है, जोमेटो या मार्केट। स्विगी? हाँ नहीं अनिल जी, मेरे को तो फिलहाल दोनों ही नहीं जम रहे हैं, मतलब स्विगी तो है ही नहीं, हाँ जोमेटो नहीं जम रहा है फिलहाल बिल्कुल भी अच्छा, ओहो ये जी। क्या हो गया? चलिए तो ये तो बायस्ड हो गए, छोड़ो हाँ आप तो खाली सुनो, एंजॉय करो लाइफ को। हाँ चोपड़ा साहब आज के हमारे जज हैं, जज हैं और बिल्कुल। चोपड़ा साहब अलर्ट हो जाए क्योंकि लव मी और हेट मी, हमारी खास सीरीज अरमान और नुपुर तैयार है जोमेटो के ऊपर आपको डिटेल्स बताने के लिए। तो जोमेटो से प्यार करें या इनकार, आइए जानते हैं अरमान और नुपुर से कौन शुरुआत करेगा। अरमान आप सर मैं कर लेता हूँ। बताइए। सर देखिए, एक सबसे पहले एक बेसिक चीज कि अगर आप जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, और दूसरा अगर आप देखेंगे ओवरऑल ये सिर्फ डियोपली मार्केट है। पर दो क्वेश्चन मेरे नुपुर से भी हैं। आपने शक्तिमान के बारे में तो सुना ही होगा राइट? वो जो क्योंकि जो है वो यस सर वो गायब हो जाता है। यस सर एग्जैक्टली। वो मैंने देखा भी है सर। यस सर, जो हमारे स्पेसिफिकली 90s के जो बच्चे उन्होंने तो जरूर देखा होगा। और उसी के साथ साथ सर एक एक और कंसेप्ट में मैं इसका लॉजिक बताऊं आगे मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं। और उसी के साथ साथ नुपुर के हस्बैंड भी वर्किंग है, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, तो एक जो वर्किंग कल्चर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अब दो रीजन है जो अभी की जनरेशन है उनके लिए अगर आप देखेंगे तो जोमेटो इन बिल्ट उनके लिए है कि ये तो शुरू से ही था, तो ये जब बड़े होने वाले हैं तो ऑब्वियसली इनके लिए तो ऑर्डर करना नॉर्मल होने वाला है। और उसी के साथ साथ ये जो वर्किंग पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है लगातार, जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क करने जा रहे हैं, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होने वाला है तो ये जोमेटो के लिए क्लियर कट एक बड़ा मार्केट होने वाला है, तो ये चीज का इसको काफी फायदा होने वाला है आगे वाला टाइम में। अरमान आज ऑर्डर करोगे कि बाहर जाओगे? आज तो ऑर्डर करूंगा। बाहर गए और इंस्टाग्राम पे पिक दिखी तो कल बात करते पर ठीक है, हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट है ये, स्विगी भी है इस प्लेयर में, चाहे वो लिस्टेड नहीं हो पर कॉम्पिटिशन तो उतना ही बड़ा स्पेस है, उतना ही बड़ा कॉम्पिटिशन देता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सैलरी नहीं आएगी, कंजम्पशन में स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, ये एक बड़ा सेटबैक होता है इन कंज्यूमर कंपनीज के लिए। इस बार भी हमने देखा था कि फूड बिजनेस जो आया था कंपनी का, वहां जो रेवेन्यूज आए थे वहां पे इंपैक्ट था। कमेंट्री भी देखेंगे तो वहां पे ये कि जो टॉप 8 सिटीज है, जो शहर है वहां पे भी हमने देखा कि स्लो डाउन है। और मिड मार्केट सेगमेंट में जो डाइनिंग का कल्चर है, मिड मार्केट सेगमेंट बोलो या कुछ भी बोलो, डाइनिंग का जो कल्चर है अब जो लॉकडाउन खत्म हो चुका है वो भी बढ़ रहा है, तो उसके चलते भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो स्लो डाउन है कंज्यूमर स्पेंडिंग में, डाइनिंग का कल्चर अब रिवाइव हो रहा है, तो एक बड़ा सेटबैक है जोमैटो के लिए। देखिए आपने स्लो डाउन की बात करी, पर डेटा जो कह रहा है, डेटा तो ये कह रहा है कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अगर आप देखेंगे वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, या फिर फूड डिलीवरी सेगमेंट्स अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो डेटा तो उस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि अभी भी कई जने लगातार जो है वो ऑर्डर करते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ एक और नई चीज अगर आप देखेंगे, इनका एडजस्टेड इबिटा लेवल पर, ये फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात कर रहा हूं, जो लगभग 67% इनका आय का है, वहां पर आप लगातार इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, और इसके पहले वाले क्वार्टर में भी वो ब्रेक इवन पे आ गए थे, और अब इनका जो एडजस्टेड इबिटा अगर फूड डिलीवरी सेगमेंट का 30 करोड़ पर आता हुआ दिखाया। और हर क्वार्टर दर क्वार्टर अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो जहां से 221 करोड़ के लॉस से इन्होंने Q3 FY22 में चालू किया था, फिर घट के वो 190 करोड़ लॉस हुआ, फिर 100 करोड़ लॉस हुआ, फिर उसके बाद Q2 में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ब्रेक इवन कर लिया था, और अब 23 करोड़ का आपको एडजस्टेड इबिटा फूड डिलीवरी सेगमेंट में, जहां पे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आपका ऑलरेडी बढ़ रहा है, और अब वो एडजस्टेड इबिटा लेवल पर पॉजिटिव भी आता हो चुका है। एडजस्टेड वर्ड को नोट करना, पर मैं बाद में आऊंगी इस बात पे। रिपोर्टेड लेवल पे देखेंगे तो कंपनी अभी भी घाटे में है, और यहां से कब पॉजिटिव होगी पता नहीं। हालांकि कंपनी ने आउटलुक दिया है, देखते उस पे कर पाती है कि नहीं। फिलहाल कंपनी की तरफ से एक और नया लॉन्च आया था गोल्ड, उसके चलते जो मार्जिन से वो इम्पैक्टेड रहने वाले हैं, और एक क्लियर इंडिकेशन आया है कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, कि वो जो लॉन्च कर रहे हैं उसके चलते डिस्काउंट्स रहेंगे और मार्जिन इम्पैक्टेड आने वाले। एडजस्टेड वाले पॉइंट पे मैं आती हूँ अभी। देखिए अगर आपने एडजस्टेड पे डेफिनेटली आप आएंगे सही, पर उसके पहले एक चीज बता दूं मैं कि डेफिनेटली एक टाइम पर जब वैल्यूएशन जब 169 तक गया था तब वैल्यूएशन के काफी कंसर्न थे, अब वहां से लगभग 70% के आसपास अगर आप देखेंगे वहां से नीचे भी आ चुका है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार यहां पे आपको कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है, जहां पे 40 का आसपास का लो था वहां से अभी भी ऊपर है, और यहां पे अगर इस रेंज के अराउंड सस्टेन कर रहा है तो अब यहां से जो रिस्क है कंपेरेटिवली गिरने का वो काफी कम हो जाता है। तुम्हारी तरह मैनेजमेंट भी एडजस्टेड वर्ड काफी यूज करता है, तुमने बहुत अच्छी रिसर्च की है, मैंने भी कुछ रिसर्च की है। इस बार का रिजल्ट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो एडजस्टेड वर्ड 32 टाइम्स यूज हुआ है, एडजस्टेड एबिटा देखोगे तो 22 बार मैनेजमेंट ने यूज किया है। अब गेस कर लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स भी देखे तो अगर वो कितनी बार यूज हुआ होगा तो सिर्फ 3 बार। अगर लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में इतना एडजस्टेड वर्ड यूज होगा
तो वो हेट की तरफ ही जाएगा, वहां पे रिलेशनशिप बनाना तो बहुत इम्पॉसिबल है। इसीलिए शायद मैनेजमेंट के जो टॉप लेवल के लोग हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं लगातार इस कंपनी को। तो अब तुम डिसाइड कर लो कहाँ जाना है। देखिए लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज से चलती है, तो यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और अगर ये जो आप लगातार रेजिग्नेशन देख रहे हैं तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है, दूसरा पर्सपेक्टिव देखेंगे कि ये सारे पर्सन जो निकल रहे हैं वो इतनी हाई सैलरी वाले थे, तो हो सकता है इफेक्टिवली अगर आप देखोगे आपको एम्प्लॉई कॉस्ट में कंपेरेटिवली कमी आती हुई दिखेगी। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखेंगे उनका भरोसा भी बरकरार, लगभग 65% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अभी भी है। और अगर आप ब्रोकरेज की बात करें तो जेपी मॉर्गन जो है अभी भी 100 का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन नोमुरा भी तो है ना, टारगेट से 45 का है। ये है आपके लिए, जोमेटो पर बहुत ही जबरदस्त तकरार होती हुई दिख रही है। मतलब इतनी तकरार किसी एक खाने पीने और जो इसको सबसे ज्यादा यूज करने वाली ऐप पर हो ऐसा हमने देखा नहीं। मैं थोड़ी देर में चोपड़ा साहब से उस